वो मेरी सहेली है ना, उसकी बहू ना उसे बहुत परेशान कर रही है। तो कल रात उसका बीपी लो हो गया, उसे देखने ही गई थी रात को। अभी भी मैं वहीं जा रही हूँ। कार्तिक तू छोड़ देना। हाँ, मैं चाबी लेके आता हूँ। भाई जब आप बाहर ही जा रहे हो तो दादी को लेके क्यों नहीं जाते हो? भाई भाई हाँ, काम से जा रहा हूँ मैं। हाँ, उस काम का नाम इश्क। मैं आके आपसे बात करता हूँ। दादी चले, बाय गाइस। हाय कार्तिक बिना बहुत बदमाश है। राजा आज भी मीटिंग में है और अब आप लोग भी जा रहे हो, थोड़ा जल्दी आ जाना ना, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। ठीक है, कुछ चाहिए हो तो फोन कर देना। हाँ, तुझे लगता है कि तू इश्की की जगह होती तो मुझे थप्पड़ मार देती। आज देखता हूँ तेरा हाथ कैसे उठता है। सोनू, मासी एक मिनट, आपके लिए जूस लाई हूँ, जूस पीजिए। बिल्कुल, 15 रुपए का है, पीना तो पड़ेगा, थोड़ा सा पी लीजिए। उठिए, आराम आराम से, आराम से, आराम से, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, बस आराम से, आराम से, आराम से। मासी हुआ क्या था? पता नहीं इश्क़, कुछ याद नहीं आ रहा। मैं जब घर पहुंची तो तेरे मासा जी गुस्से में दरवाजे पे खड़े थे, मुझे तैयार देखकर उन्हें और गुस्सा। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं गिर गई और जो होना था हो गया। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सिर्फ आगे देखना है। पर क्या, ऐसी कौन सी गाड़ी बैक करनी है आपको जो पीछे बिना मुड़े काम नहीं चलेगा? आगे तो सर पर तेरी शादी, उससे पहले हमें अपना घर लेना है मासी, नया घर। नया घर? किसका घर? हमारा घर, मैंने हमारे लिए घर पसंद किया है। यहाँ से निकलकर हम सीधा वहीं जाएंगे। इनफैक्ट मेरी तो आज मीटिंग भी है एजेंट से, उसी का कॉल होगा। मैं अभी आई। हाँ जी, मैं बस पहुंच रही हूँ, आप कहीं जाइएगा मत प्लीज। जी जी, आ रही हूँ आ रही हूँ। मुझे तो सावित्री के हॉस्पिटल जाना है, पर ये बात मैं कार्तिक को कैसे बताऊं? दादी किधर लूं? चाणक्यपुरी। बड़े पॉश एरिया में रहती है आपकी फ्रेंड। इस कार्तिक से कैसे पीछा छुड़ाऊं? मैडम ये देखिए, इसमें सेपरेट बेडरूम भी है, सेपरेट बाथरूम, बालकनी भी है और एक ओपन टेरेस। आपके बजट में आ रही है, और अगर शाम तक मुझे आप डिपॉजिट दे देंगी तो मैं आपको शाम को चाबी भी दे दूंगा। पर क्या ना मैडम,
के पुराने किराएदार ने मकान मालिक के साथ कुछ धोखाधड़ी की थी, इसलिए मकान मालिक ने डिपॉजिट बढ़ा दिया है। कितना है? 5 लाख रुपए। 5 लाख? भैया हमें घर खरीदना नहीं है, रेंट पे लेना है। अब पूरे एरिया में तो 2 BHK का रेट कुछ 1.5 लाख चल रहा है ना। मैडम लेकिन इसका रेंट भी तो कम है और डिपॉजिट तो मकान खाली करने के बाद फिर से मिल जाता है। भैया मैं ना रेंट में कभी कोई गड़बड़ नहीं करूँगी, आप प्लीज डिपॉजिट कम करवा दीजिए कम से कम। मैडम ये सेम चीज पुराने किराएदार ने भी बोला था, कम से कम 3 महीने का भाड़ा खा गया वो, इसलिए मकान मालिक ने डिपॉजिट बढ़ा दिया। पर मेरे पास 5 लाख नहीं है। तो फिर ये घर तो आप भूल जाए। एक मिनट भैया, क्या करूं? मौसा जी का घर तो छोड़ना ही होगा। गाड़ी रोक। घर तो आए नहीं दादी। वो बताना भूल गई मैं, वो घर पे नहीं अस्पताल में है। बट हॉस्पिटल भी तो नहीं आया, वो थोड़ा पीछे रह गया ना। तू गाड़ी रोक। ओए कोते, गाड़ी क्यों घुमा रहा है? दादी घुमा लेता हूँ ना, पीछे छोड़ देता हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, अब तू एक काम कर, वो इंग्लिश टेलर है ना उसके पास चला जा, पता कर शादी कपड़े तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। दादी फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश टेलर नहीं डिजाइनर होता है, और दूसरी बात कपड़े रात को लेने हैं तो चला जाऊंगा मैं। रात को कपड़े गड़बड़ हुए तो कौन ठीक करेगा? तेरी बुआ रात भर बैठ के ठीक करेगी? पर मेरी तो बुआ ही नहीं है। सोनू की सास सरला जी तो है ना, वो क्या बुआ से कम है क्या? है पता तो है कितना स्यापा मचा के रखती है। तू एक काम कर, तू जा मैं चली जाऊंगी। दादी मैं छोड़ देता हूँ आपको। जुत्ती उतारू क्या? सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा? नहीं ना। चला जाना, कपड़े ले आना। इस घर में पता नहीं सब साइको क्यों हुए पड़े, सबसे सही मैं ही हूं। चल आउट। भैया जी आप समझ नहीं रहे मुझे इस घर की कितनी ज्यादा जरूरत है, प्लीज कुछ कीजिए। अरे मैडम मेरा घर थोड़ी है, अगर मकान मालिक को 5 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। ठीक है ठीक है, मैं 5 लाख दे दूंगी, पर मेरे पास ना 5 लाख एक साथ नहीं है, मैं आपको किश्तों में दे दूंगी। 1 लाख आज, 1 लाख। मैडम अगर आज के आज आप 5 लाख रुपए दे सकती हैं तो डील होगी, वरना नहीं, बात खत्म। पैसे दे देकर मेरे हाथ थक गए हैं, गिन गिन कर तेरी उंगलियां भी थक गई होंगी ना, लेकिन अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया। ढूंढ लेंगे, वो हॉस्पिटल के अंदर ही होगी, किसी भी एग्जिट कैमरे में वो बाहर जाती नहीं दिखी। अंदर है तो ढूंढो ना उसे। हमने एक एक कमरे को छान मारा है, सिक्योरिटी को भी उसकी फोटो दे दी है, अब परेशान मत होइए वो मिल जाएगी। अगर वो नहीं मिली ना तो मैं तेरा वो हल करूंगी कि तू सोच भी नहीं पाएगा। ढूंढो जाके उसे। भैया 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 प्लीज, मेरी मासी को मैं इस घर में वापस नहीं ला सकती हूँ, अगर वो यहाँ आई ना तो वो बचेगी नहीं, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। मैडम आप ऐसा मत कीजिए, आप प्लीज खड़े हो जाइए। भैया मेरी मासी की जान जा सकती है, प्लीज प्लीज कुछ कर दीजिए, भगवान के लिए थोड़ी हेल्प कर दीजिए प्लीज। इश्की हुआ क्या? अगर सावित्री सोनू और आहान के सामने आ गई तो मेरा सच उनके सामने आ जाएगा, ये मैं किसी कीमत पे होने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैडम मकान मालिक नहीं मानेगा, मैं जा रहा हूं। मासी का, इश्की मासी का है, हुआ क्या है? वो हमारी घर की हालत ना बहुत खराब है, छत का प्लास्टर टूट के मासी के ऊपर गिर गया, पूरे टाके आए, जान बच गई, पर अब इस घर में नहीं रह सकते इसलिए दूसरा घर ढूंढ रही। तो इसे ठीक करना तो ओनर की जिम्मेदारी है ना शोमी। नहीं अंदर जाना सेफ नहीं है। तो हॉस्पिटल चले,
कार में बैठो, लेट्स गो। मासी ठीक है? थैंक यू, अगर हमें किसी की मदद की जरूरत है। इसकी एक और बार नहीं सुनूंगा, स्वर उठा के ले जाऊंगा तुम्हें। चलो चलिए। लगता है निकम्मों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं बस एक बार और होटल फ्लोर पे चेक करके आता हूँ। यहाँ अस्पताल में क्या कर रहे? ईवीएम को पता कैसे चला कि मैं प्रॉब्लम में हूँ? तुम्हारी मासी का है? आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, I am looking for a patient. उनका नाम मासी, रूम नंबर 206 में। मैं इन्हें मासी से अकेले नहीं मिलने दे सकती। घर मिला? हाय आंटी, आप ठीक हो? हाँ बेटा, आहान को तुमने बुलाया? नहीं बुलाया, पर बुलाना चाहिए था। कल रात से आंटी हॉस्पिटलाइज है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। इट्स हाईली इरिस्पॉन्सिबल इश्क। सब मैनेज हो गया था। और अगर मैनेज नहीं होता तो सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है। सॉरी। आंटी, इश्की ने मुझे सब कुछ बता दिया कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। इश्की, मैं आहान को क्यों? इट्स ओके आंटी, सिचुएशन ऑलरेडी इतनी खराब हो चुकी थी, आप लोगों को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पहले हमारे घर में सब कुछ ठीक था, फिर इश्की के मासा जी ने कई बार मरम्मत कराई, पर फिर भी छत टूट कर गिर गई। वो तो भगवान का शुक्र है कि चोट बहुत कम आई है। मासी, मैंने इन्हें बता दिया कि हमारे घर का प्लास्टर टूट के गिर गया था। हाँ हाँ बेटा, यही हुआ। तुम्हारे मासा जी का? वो बिल देने गए हैं। हाँ, वो बिल देने गए। ठीक है आंटी, मैं भी चलता हूँ। यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, ख्याल रखो आप अपना। कोई भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज लेट मी नो, या गेट वेल सून आंटी, बाय। जा बेटा, उसे बाहर तक छोड़ा।
आहान को भी आज ही यहाँ आना था, लेकिन अगर इसे किसी से टकराना है तो मुझसे टकरा जाए, सावित्री से नहीं। दुनिया में तुझे ढूंढ रही है, तू कहीं काम से नहीं? नहीं 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 नहीं, वाय तुम्हारी मासी को चोट लगी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। देखिए, आपने जो हमारी हेल्प की उसके लिए थैंक यू सो मच, पर ये मेरा से आप पाए मैं सुलझा लूंगी। इश्की, दूसरों से हेल्प मांग के ना हम छोटे नहीं हो जाते, एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में अपनी ईगो को ड्रॉप कर सकती थी तुम। पहली बात तो कोई ईगो नहीं है, और अगर है भी तो ईगो है, कोई बाउंड्री का कैच नहीं जो मैं ड्रॉप कर दूं। तुम मान क्यों नहीं लेती कि लड़कियों को ऐसी सिचुएशन में हेल्प की जरूरत पड़ती है? आप लड़कियों को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? मैंने बचपन से लेके आज तक हर काम अकेले किया है, राशन की लाइन में अकेले खड़ी हूं, घर के किराए अकेले दिए, लुच्चे लफंगों से अकेले लड़ी हूं। ये जो हमारी सोसाइटी है ना, समाज, वो लड़कियों को छुई मुई बनाए रखना चाहता है, वरना लड़कियां अपने पे आ जाए ना तो रोडों पे मेट्रो चलवा दे। I don't know what that means. मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई मर्द आके हेल्प करे तो अच्छा होता है। और अगर कोई मर्द ना हो तो लड़कियां क्या करें? हाथ पे मेहंदी लगा के बैठ जाए? जी नहीं, जब कोई सहारा ना हो तो खुद स्ट्रांग बनना पड़ता है, खुद सबसे लड़ना सीखना पड़ता है। मैं और मासी हमेशा से बिना किसी सहारे के रहे, आगे भी रह लेंगे। हमें ना आपकी हेल्प की जरूरत है ना आपके ज्ञान की। कर रखा है, अब तुझे तेरी सही जगह पे वापस पहुंचा कर सांस लूंगी। चल, मेरे सोनू की शक जाती है, मुझे जाने दो। तुझे कैसे पता चला सोनू का ब्याह है? मेरी बेटी है वो। तेरी बच्ची नहीं है, तेरी बेटी। तूने जब मेरे बेटे की जान ली थी ना, उस दिन के बाद से तेरा बच्चों के साथ कोई रिश्ता है ना उस घर के साथ। अब तू देखती जा, मैं तेरा क्या हाल कर दूँ। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अपनी सिंपति को ना अपनी गुल्लक में रखिए, आप किसी हाय बेचारी के काम आएगी ना। मैं बेचारी हूं ना, मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत थी और ना कभी होगी। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने कभी अपने मासा जी से हेल्प नहीं ली। बात को घुमाइए मत आप। मैं बात नहीं घुमा रहा हूं, तुम बात घुमा रही हो अभी। तुम्हें कोई आइडिया है तुम्हारी स्टेटमेंट की वजह से तुम्हारे मासा जी को कितना इंसल्ट फील हो रहा होगा? मयंक के लिए कितना इंसल्टिंग है? जो यहाँ पर है ही नहीं उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं आप? कल रात एक बात समझी मैंने, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, जो करना है खुद करना है,
वैसे भी मयंक ने आज तक किस प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया है जो आज देते? उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं दिया, इनफैक्ट किसी ने भी नहीं दिया। पर मैंने तो दिया ना। पर मेरी शादी आपसे नहीं हो रही है ना ईवीएम। पर मेरी शादी आपसे नहीं हो रही है ना ईवीएम। कमबख्त, तो तुमसे कुछ नहीं होगा, मैंने उसे ढूंढ लिया है, मैं कह रही वहां पहुंच। व्हाट आर यू डूइंग दादी? आप यहां क्या कर रहे हो? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.